वैकेंसी है भाजपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्तमान में सागर संभाग के प्रभारी अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा, जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनके लिए यहां के रास्ते बंद हो गए हैं, अब यहां उन लोगों के लिए नो वैकेंसी है, अब वे लोग यहां पर कभी भी नहीं आ सकते। भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंग बली ने कर्नाटक में किया, आप जानते हैं 40% वाली सरकार की क्या स्थिति कर्नाटक में बनी है, आप सब जानते हैं, वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। वहाँ 40 था, यहाँ 50% है और हमें पूर्ण विश्वास है कि महाबली भगवान बजरंग बली हम सबको न्याय दिलाएंगे, इस प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे। वो भ्रष्टाचारी जिन्होंने बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी देश में पैदा हो गए हैं जो भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ में, और महाबली की गदा जिस तरह कर्नाटक में चली थी मध्य प्रदेश में चली।